दोस्तों, अभी आप जिस चीज़ को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, मुझे नहीं पता अभी उसको क्या कहना चाहोगे, लेकिन मैं तो यार इसे एक रेफ्रिजरेटर कहूँगा कुछ इस तरह से। मतलब मैंने एक चीज़ बनाई है, कुछ एक तरह का प्रोजेक्ट आप इसे कह सकते हो, साइंस प्रोजेक्ट आप इसे कह सकते हो, मैंने एक बनाया है। तो शुरू से लेकर इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों। इसको बनाने में सच में बहुत ज़्यादा टाइम लगा और बहुत ज़्यादा मेहनत भी मैंने की है। तो प्लीज़ यार, आपको भी अगर लग रहा है कि मैंने कैसे बनाया, किस तरह से, जो भी है इसके अंदर ही आप देख सकते हो अंदर क्या कुछ है, कैसे भी, मतलब ये सब कैसे किया मैंने, वो सब कुछ अगर आपको जानना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिना कहीं से स्किप किए। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसके कुछ मतलब फीचर्स की, मतलब क्या कुछ है इसमें। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर यूज़ किया। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह का एक अडेप्टर लिया है, 12 वोल्ट AC DC अडेप्टर। इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर। तो मैंने इसको स्विच ऑन किया और जो यहाँ पर आप देख सकते हो एक सप्लाई के लिए यहाँ पर एक लाइट है, तो मैं ये अभी ऑफ है। अब जो आप देख रहे हो, मैं इसको जैसे ही इसके साथ मैं कनेक्ट करूँगा, इसके अंदर जब मैं इसको डालूंगा, जो लाइट है सप्लाई वाली वो ऑन हो जाएगी। देखो लाइट ऑन हो चुकी है और आपको एक और स्विच दिख रहा होगा जिस पर लिखा हुआ है लाइट। अब मैं ये ऑन करूँगा तो लाइट वाली जो LED है वो ऑन हो जाएगी, साथ ही में जो इसके अंदर लाइट है वो भी ऑन हो जाएगी। मतलब दोनों चीज़ें एक साथ ऑन हो जाएगी। अब दूसरा जादू देखो क्या है, फ़ैन वाली लाइट मैंने ऑन की, अब फ़ैन की अंदर की लाइट भी ऑन हो गई और जो फ़ैन है वो खुद ऑन हो गया। मतलब ये सब जो है ना, मतलब ये जो आपको मैंने अभी दिखाया, ये सब ऐसे ऐसे काम कर रहा है, वैसे वैसे काम कर रहा है, मतलब ये सब चीज़ें की कैसे, आपके मन में भी आ रहा होगा यही सवाल कि मैंने बनाया कैसे हुआ। तो वो सब चीज़ें ना आपको इस वीडियो में पता लग जाएंगी। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको मैं पूरी मतलब डायग्राम बना कर दिखाऊँगा, सभी मैंने क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यहाँ पर यूज़ किए, कैसे इसको बनाना है, ये डोर है ये कैसे बनाया, इसका जो भी मतलब जो भी कुछ है यहाँ पर कार्डबोर्ड के पीसीज, इसकी फिनिशिंग जो भी मैंने किया, ये सब कैसे किया, सब कुछ आपको दिखेगा इस वीडियो में। तो प्लीज़ एंड तक देखना इस वीडियो को। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं, किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसको बनाने में मैंने क्या क्या जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, मतलब क्या क्या चीज़ें मैंने इसमें यूज़ की, जो भी वायर्स हैं, स्विचेज हैं, LEDs हैं, सब कुछ मैं आपको बताने लगा हूँ। तो यहाँ पर मैं करता हूँ बॉक्स ओपन और मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले मतलब जो हमारी स्टार्टिंग चीज़ है वो यही कुछ इस तरह का मेल जैक, मतलब जो हमारा AC DC अडैप्टर होता है उसका जो जैक है ये वो है। ये कहाँ पर यूज़ किया है हमने, इसे यूज़ किया है हमने यहाँ पर, आपको मैंने जो वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया हमने इसको कहाँ पर कनेक्ट किया था, उसी तरह से इसको हम वहाँ पर लगाने वाले हैं। ये रहा हमारा प्रोजेक्ट, यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें हमने लगाया था इसको, तो ये हमें चाहिए होगा। और यहाँ फिर अगर नहीं आपको अडेप्टर का यूज़ करना तो आप इस तरह से 9 वोल्ट की बैटरी का यूज़ कर सकते हो, पर उसके साथ में आपको इस तरह का क्लिप कनेक्टर चाहिए होगा या फिर क्लिप कवर आप इसे कह सकते हो। अब बारी है स्विचेस की। तो स्विच दोस्तों मैंने ये वाला स्विच यूज़ किया है, आप चाहो तो बड़ा स्विच भी यूज़ कर सकते हो। बड़े स्विच में आपको दिखा रहा हूँ, स्लाइडिंग स्विच है यहाँ पर, मतलब काफ़ी सारे तरह के स्विचेज होते हैं, कोई भी आपको स्विच जो भी आपको यूज़ करना हो आप कर सकते हो। अब बारी है LED लाइट्स की। तो मतलब यहाँ पर मैंने 3 LED लाइट्स यूज़ किए हैं, वो अंदर वाली लाइट भी मैंने आपको दिखाई थी ना, आपको एक अंदर लाइट जलती है ये वाली। अब ये वाली लाइट का क्या है, देखो मैंने यहाँ पर 2 LED लगाई है, मतलब एक तरह का मतलब हम कह सकते हैं बोर्ड आता है PCB पर लगी होते हैं 3 LEDs, तो मैंने तो 2 वाला यूज़ किया है। यहाँ पर मैं आपको 3 वाला दिखा रहा हूँ, आप जो सा चाहो आप वो वाला ही खरीद कर लगा सकते हो। यहाँ पर आपको 3 LED लाइट्स दिख रही होंगी, तो कुछ इस तरह की ये LED लाइट आती है, आपको मिल जाएंगी काफ़ी आसानी से। तो एक LED आती है, ये मैंने मतलब 3 लगा दी यहाँ पर। साथ ही में दोस्तों इस तरह का एक 1K या फिर 1000 ओम का आपको रेजिस्टेंस भी चाहिए होगा, और जो रेजिस्टर है आपको 1000 ओम्स का, आपको जो LED की जो पॉजिटिव वाली है उस पर लगाना होगा। पॉजिटिव सबसे लंबी वाली है और जो सबसे छोटी है वो नेगेटिव के लिए, तो हमें पॉजिटिव पर लगाना होगा। और ऐसे ही हमें 3 LEDs चाहिए होंगी, तीन LEDs को हमें कनेक्ट करना और तीनों में हमें रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी। तो अब भाई है मोटर की, सबसे मेन और इंटरेस्टिंग पार्ट है मोटर्स का। तो ये वाली मोटर है दोस्तों, सबसे ज़्यादा कॉमन मोटर यही है, आप इसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कहूँगा इसका यूज़ करो क्योंकि ये ज़्यादा लंबा मतलब ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकती, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा जल्दी है कि हीट हो जाती है। तो ये वाली मोटर मैं नहीं आपको कहूँगा, प्रेफर नहीं करूँगा आपको। कुछ इस तरह की जो मोटर होती है, देखो छोटी वाली मोटर होती है, इसकी जो स्पीड है सच में काफ़ी ज़्यादा होती है और काफ़ी लंबे टाइम तक जो इसकी स्पीड मतलब कॉन्स्टेंट रहती है। तो इसके साथ हमें एक फ़ैन भी चाहिए होगा, कुछ इस तरह का फ़ैन, छोटे साइज़ का फ़ैन है ये, एक जो कि मोटर में बिल्कुल आसानी से लग जाता है कुछ इस तरह से। आपको मैं बैटरी से इसे चला कर दिखा रहा हूँ, तो ये देखिए काफ़ी अच्छी इसकी मतलब जो आपको आवाज़ से पता चल गया होगा कितना तेज़ है ये फ़ैन।
तो मतलब ऐसी दो तीन तरह की मोटर आती है, आप बड़ी मोटर का यूज़ भी कर सकते हो। तो और साथ में आपको एक और चीज़ चाहिए होगी, वो है वायर्स। खूब सारी हमें वायरिंग इसमें करनी होगी, और वायर्स दोस्तों बहुत लंबी हमें चाहिए होगी। आपको आगे वीडियो में पता लग जाएगा मैंने कितनी लंबी वायर यूज़ की है। तो मतलब क्यों क्यों चाहिए, क्योंकि आपको पता है हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये जो बॉक्स है हमारा, इसका साइज़ कितना बड़ा है। तो सारी वायरिंग करने के लिए हमें लंबी वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों इस पार्ट को, जो वीडियो का ये वाला जो पार्ट है, इसको बिल्कुल भी आप स्किप मत करना। आपको मैं अच्छे से पूरी डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ कि कौन सी हमें कैसे कैसे जो वायरिंग हमें करनी है इसको बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरह का हमारा जो पोर्ट है, जहाँ पर हम अपनी जो सप्लाई देंगे उसको मैं पहले लूँगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहले एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, जब मैं ब्लैक कलर से कोई लाइन ड्रॉ करूँ इसका मतलब है कि वो नेगेटिव वायर है। जब मैं रेड कलर से कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ उसका मतलब वो पॉजिटिव वायर है। और मान लो कुछ कुछ भी मैं मतलब ब्लू कलर से कुछ भी ड्रॉ करता हूँ मतलब वो कोई कंपोनेंट है। और एक और बात, अगर मैं कुछ इस तरह से मतलब करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि दो वायर्स एक दूसरे के ऊपर से निकल रही है, मतलब उनको कनेक्ट नहीं किया, बस ऊपर से निकल रही है। और जब ऐसा हो तो मतलब दोनों वायर्स, जितनी भी तीन है या चार जितनी वायर्स हैं, वो आपस में एक जगह पर मीट करती हैं या फिर ज्वाइन होती हैं। तो इस तरह से मैं आपको कुछ पहले से बता दिया, बार बार मुझे आपको ना बताना पड़े। तो ये हमारा पोर्ट हो गया, इनपुट पोर्ट, जहाँ पर हमारी सप्लाई जाएगी। तो कुछ इस तरह से हमें एक एलईडी चाहिए होगी दोस्तों। एलईडी मैंने जैसे आपको बताया कि हमें 1000 ओम का रेजिस्टर है, वो जो एलईडी के पॉजिटिव लेग होती है हमें उसके साथ में लगाना होगा। तो वो हमें चाहिए होगा, वो लगाना ज़रूरी है दोस्तों। अब क्या करेंगे, उसी एलईडी को ले लेंगे जिसमें हमने रजिस्टर लगा रखा है। तो यहाँ पर मैं एक एलईडी बना रहा हूँ, ये इसका पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव, इसको मैं इसके साथ में कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये होगा सिंपली कनेक्ट। अब यहाँ पर स्विचेज आप देख रहे हो, फ़ैन के लिए, लाइट के लिए। सबसे पहले हम एक मोटर लेंगे फ़ैन के लिए। तो अब इसकी जो पॉजिटिव वायर है ना, हम उसको, जो मेन पॉजिटिव वायर है उसको हम मोटर के साथ लगा देंगे। फिर एक स्विच लेंगे, उसके साथ एक नेगेटिव वायर लगा देंगे, और नेगेटिव वायर एक और जो है स्विच के दूसरे में लगा देंगे। और जो दोनों वायर्स हैं, मोटर की नेगेटिव और पॉजिटिव, उन दोनों को हम एलईडी के पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ में लगा देंगे। आप डायग्राम को दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखो, आप समझने की कोशिश करो, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब लाइट की बारी, जो अंदर, जो हमारी अंदर जो हमारी लाइट लगी है उसका इंडिकेटर, हम एक और एलईडी लेंगे। तो ये रहे उसके पॉजिटिव और नेगेटिव। इन दोनों को दोस्तों जो है हमारा जो सर्किट है इसको बेसिकली पैरेलल सर्किट कहते हैं। मतलब जो जब भी दो या फिर तीन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के जो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव वायर जब इकट्ठे, मतलब एक जगह पर इकट्ठा कर दें उन सभी वायर्स को, और फिर मतलब उनको डायरेक्टली लगा दें, तो उसे पैरेलल सर्किट कहते हैं। मतलब सारे पॉजिटिव एक जगह और नेगेटिव एक जगह, तो उसे पैरेलल सर्किट कहते हैं। वही हम बना रहे हैं। तो इस तरह से मैंने एलईडी के जो पॉजिटिव थी मैंने वहाँ पर लगा दी मेन के साथ में। इसका जो पॉजिटिव है उसको मैं लगा दूंगा फिर से, मतलब जो हमारी एलईडी का ये वाला जो है इसके साथ में लगा दूंगा पॉजिटिव के साथ में। फिर जब जो नेगेटिव रह गए, जो स्विच है हम उसको भी लगा देते हैं। तो स्विच के लिए हम क्या करेंगे, स्विच के पहले स्विच को हम सप्लाई दे देते हैं। तो हम क्या करूँगा, सबसे पहले मैं आपको, मैं दिखा देता हूँ आपको ड्रॉ करके। सबसे पहले हम एक नेगेटिव में वायर लेंगे यहाँ पर। तो ये मैं वायर ले लेता हूँ, नेगेटिव वायर है ये, और इसको मैं जो हमारी दूस जो बाहर वाली एलईडी है उसके साथ लगा देंगे। तो पहले मैंने स्विच को पावर सप्लाई दे दी। अब जो एलईडी है दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ये मैंने वायर ली, इसको यहाँ पर कनेक्ट किया, और यहीं से एक और वायर निकाल ली, ये नेगेटिव वायर है, और इसको मैं ले आया यहाँ पर हमारे स्विच के दूसरे एंड पर। तो कुछ इस तरह से हमारी डायग्राम बनकर तैयार है। आप देख सकते हो दोस्तों किस तरह से मैंने इसको बनाया, और आप इसको फॉलो कर सकते हो। और मैं आपको जो इसे जो सर्किट आपको मैं खुद बनाकर आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या कुछ मैंने कैसे कैसे। तो दोस्तों जिस रेफ्रिजरेटर के बारे में मैं अभी बात कर रहा था आप लोगों से, उसी रेफ्रिजरेटर को आज मैं आपको बनाकर भी दिखाने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, मैंने रेफ्रिजरेटर को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ में ली, वो भी आपको सब कुछ पता लग जाएगा। तो दोस्तों जो मतलब आपको जो रेफ्रिजरेटर में बनाना है, उसके लिए मैंने कुछ इस तरह की कार्डबोर्ड की शीट्स का यूज़ किया, देखो कुछ इस तरह की। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बारी बारी से हर एक चीज़ समझा देता हूँ। सो दोस्तों सबसे पहले मैंने जैसा आपको वो ड्रॉ करके डायग्राम में दिखाया, कुछ इस तरह का हमें बेस चाहिए होगा, और उसके ऊपर मैंने कुछ इस तरह की एक थर्मोकॉल की शीट लगा दी, जो कि ये वाला होगा हमारा स्टोरेज कंपार्टमेंट, ठीक है। और रेफ्रिजरेटर की साइड वाली जो दीवारें होती हैं वॉल, हमें वो भी बनानी होंगी। तो उसके लिए मैं यूज़ में लूँगा इस तरह की और कार्डबोर्ड की शीट का, कुछ इस तरह की। देखिए ये वाली लगेगी इस तरह, ये वाली लग जाएगी हमारी,
ये देखो ये वाली जो है ये इस तरफ लग जाएगी, एक इस तरफ लगेगी, और ये वाली लगेगी हमारी इस तरफ, कुछ इस तरह से जो है हमारी वॉल्स बन जाएंगी, मतलब दो साइड्स हमारी बन जाएंगी। पीछे की तरफ भी हम लगाने वाले हैं, एक बार मैं इसको इस तरह से रख देता हूँ, और पीछे की तरफ हम लगाएंगे ये, आई थिंक इसको हम पीछे की तरफ इस वाली को लगाने वाले हैं। देख सकते हो दोस्तों कुछ इस तरह की है ये वाली, और इसको हम इस तरह से यहाँ पर लगा देंगे। देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए कुछ इस तरह से ये वाला लग जाएगा, और बीच में जो मैंने आपको दिखाया था ना वो पिक्चर में ड्रॉ करके, वो जो आपको डायग्राम में ड्रॉ करके दिखाया था, एक होगा हमारा आइस कंपार्टमेंट, एक होगा हमारा कूलिंग कंपार्टमेंट, या फिर इलेक्ट्रिकल कंपार्टमेंट, वहाँ पर हम इस तरह की, वहाँ पर भी हम इनको डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर इस तरह का मैं एक फ्रेम का यूज़ करूँगा, कुछ इस तरह के फ्रेम का, इसको मैं यहाँ पर लगाऊंगा। अब आप सोच रहे होगे कि यार इतना बड़ा यहाँ पर कट क्यों है, क्योंकि यहाँ से क्या है, जितनी भी हम आइस यहाँ पर, ये वाला जो कंपार्टमेंट है हमारा कूलिंग, सॉरी आइस स्टोरेज कंपार्टमेंट, वहाँ पर जितनी भी हम बर्फ़ रखने वाले हैं वो सारी बर्फ़ की, मतलब जो कूलिंग है वो बाहर की तरफ आ सके। और यहाँ पर इधर की तरफ लगाएंगे हम एक और पार्टीशन के लिए एक और कार्डबोर्ड की शीट। दोस्तों आप देख सकते हो जैसा कि यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, ये बेसिकली एक कट दिया हुआ है मैंने यहाँ पर, जहाँ पर हम अपने फैन को माउंट करने वाले हैं। तो पहले मैं इन सभी चीज़ों को आपस में ग्लू गन की मदद से जोड़ देता हूँ, और फिर आगे का जो काम है मतलब इलेक्ट्रिकल फिटिंग वगैरह, और इसके ऊपर हम एक ऊपर की तरफ एक मतलब छत हम कह सकते हैं कि मतलब ऊपर की तरफ भी एक कार्डबोर्ड की शीट लगाने वाले हैं, और सामने की तरफ भी हम एक दरवाज़ा यानी कि एक रेफ्रिजरेटर का डोर भी हम बनाने वाले हैं। तो वो सब चीज़ें आपको वीडियो में दिख जाएंगी। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने डायग्राम में देखा, मैंने कुछ इस तरह का डायग्राम आपको बनाकर दिखाया था, उसमें आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो है सब सब चीज़ों को मैंने लगाया, मोटर यहाँ पर लगाया, दो LEDs यहाँ पर लगी, इनकी वायरिंग जो आप देख रहे हो वो काफ़ी मतलब कॉम्प्लेक्स है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को पॉज करके इस डायग्राम को अच्छे से देख सकते हो। अब बात करते हैं कि डायग्राम मतलब जो जो सर्किट है एक बनाना कैसे। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर 12 वोल्ट AC DC अडेप्टर लिया कुछ इस तरह का, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया सीधा ही डायरेक्ट 220 वोल्ट के साथ में। अभी ये ऑन है, तो जो हमारा सर्किट था वो आप देखिए कुछ इस तरह का है। देखो इसकी वायर्स जो है ना दोस्तों, मैंने काफ़ी लंबी रखी है, क्योंकि आपको पता है हमारे रेफ्रिजरेटर जो मैंने आपको बनाकर दिखाया वो भी कितना बड़ा है, और काफ़ी उसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा ही है, तो उसके लिए मैंने काफ़ी लंबी वायर्स का यूज़ किया। तो दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस तरह का हमारा दिखता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों ये जो दो LED लाइट्स आप देख रहे हो यहाँ पर, ध्यान से देखो आप इन दो LED लाइट्स को, ये देखो इनके साथ में मैंने जो है रजिस्टर भी लगाया हुआ है, देख सकते हो 100 ओम का जो रजिस्टर है यहाँ पर, मैंने हर दोनों LEDs पे मैंने रजिस्टर लगाया हुआ है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो LED जो दो LEDs है ये वही LEDs हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हो। तो इनको मैंने कनेक्शन क्या किया, देखो यहाँ पर हमारा पोर्ट है वो वाला जैक, मतलब मेल जैक है हमारा जहाँ पर हम अडेप्टर लगाएंगे। देखो कुछ इस तरह से हमारा जो अडेप्टर है इस जैक में लग जाएगा, देखिए कुछ इस तरह से, और जैसे ही हम इस अडेप्टर को लगाते हैं तो ये हमारी LED लाइट है वो ऑन हो जाती है। देखिए हमारी LED लाइट अब ऑन है। अब जैसे मैं ये जो आप देख रहे हो जैक में से, मैं जैसे ही इस अडेप्टर को निकाल लूँगा तो जो हमारी LED लाइट है वो ऑफ हो जाएगी, देखिए कुछ इस तरह से, ये देखो। तो ये हमारी मतलब मेन लाइट होगी, मतलब जो हमारे इंडिकेट करेगी कि हमारा रेफ्रिजरेटर को मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिक सप्लाई हमें आ रही है। तो अब बात करते हैं ये मोटर की, मोटर आप देख रहे हो जैसे कि हम देख सकते हो मोटर, और साथ में इसके लिए भी हमने एक इंडिकेटर लाइट लगाई है जो कि हमें इंडिकेट करेगा कि हमारा रेफ्रिजरेटर ऑन है और हमारा रेफ्रिजरेटर है वो कूलिंग कर रहा है, यानी कि उसकी मोटर जो है वो ऑन है। तो वो आपको दिखाया था, उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली मोटर के ऊपर एक फ़ैन लगा दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास में एक फ़ैन है कुछ इस तरह का, देख सकते हो मैं इस फ़ैन को इस मोटर के ऊपर सिंपली लगा देता हूँ कुछ इस तरह से। और अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, अब ध्यान देना, ये मोटर आप देख रहे हो यहाँ पर, और आप यहाँ पर एक LED लाइट देख रहे हो, और यहाँ पर आपको एक स्विच भी दिख रहा होगा, देखो ठीक है। अब मैं जैसे ही स्विच को ऑन करूँगा, आप ध्यान देना दोस्तों, ये जो मोटर है और LED लाइट है वो दोनों चीज़ें ऑन हो जाएंगी। देखो ये देखो हमारी दोनों चीज़ें एक साथ ऑन हो गई थी, जैसे मैंने स्विच को ऑन किया हमारी मोटर भी ऑन हो गई थी और हमारा जो LED लाइट है वो भी ऑन हो गया था। देखो
तो कुछ इस तरह से हमारा जो सर्किट मैंने बना दिया था। अब मुझे पता है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लंबी वायर है, काफ़ी ज़्यादा मुझे पता है कन्फ्यूज़ हो जाओगे कैसे कैसे मैंने जॉइंट्स लगाए हैं। देखो ये स्विच के साथ मैंने वायर लगाई है, फिर इस वायर को मैंने मेन इसके साथ में कनेक्शन दिया है। देखो काफ़ी ज़्यादा मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, मतलब आपको मुझे पता है समझ में नहीं है अगर मैं आपको दिखाने लगूंगा वायरिंग। तो आप देख सकते हो सर्किट को, आप अभी भी कह रहा हूँ ध्यान से देख लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हमारा सर्किट तो बिल्कुल बनकर तैयार है। अब इसको सिर्फ हमें क्या करना है, अब इस वाले सर्किट के साथ में हम एक और सर्किट हम लगाने वाले हैं। उस सर्किट को मैं आपको भी बनाकर दिखाने वाला हूँ। उस सर्किट में हम रेफ्रिजरेटर के अंदर वाली जो लाइट है हम उसको भी बनाने वाले हैं, तो उसका सर्किट हम इसी के साथ में अटैच करेंगे, तो उसको भी बना देते हैं हम। और दोस्तों जो आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमारी सर्किट है वो तो बन चुका है, और उसकी वायर सच में यार मैंने काफ़ी ज़्यादा लंबी ले रखी है, मतलब वायर जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबी मैंने जानबूझकर रखी है, क्योंकि हमारा रेफ्रिजरेटर आपको पता ही है कि कितना बड़ा है। तो मतलब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने जो वायर इतनी लंबी ली। और दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होगे बीच में जो आपको कुछ इस तरह की टेपिंग दिख रही होगी, कुछ इस तरह की वाइट वाइट आपको टेप दिख रही होगी, तो दोस्तों ये क्या है बेसिकली मैं आपको बता दूँ, इससे ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत होना। ये बेसिकली मैंने क्या किया, मेरे पास ना काफ़ी सारी छोटी छोटी मतलब वायर के पीसेस थे, कोई इतना पीस था, फिर कोई इतने साइज़ का पीस था, मतलब जहाँ जहाँ आप टेप देख रहे हो मतलब इतने इतने वायर्स के इतने सारे पीसेस थे। तो मैंने क्या किया यार, इन सभी पीसेस को आपस में जोड़ा, आपस में इनकी सोल्डरिंग की और आपस में टेप कर दिया। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो वायर है हमारी लंबी हो जाएगी। हमारे पास मेरे पास जो है मेरे पास कुछ इस तरह की मतलब लंबी वायर भी है कुछ इस तरह की, देखो दोस्तों, लेकिन मैं इसका यूज़ नहीं करा क्योंकि मुझे यार जो छोटी छोटी पीसीज हैं क्यों ना इनको पहले यूज़ में ले लिया जाए। इसलिए मैंने इतनी सारी वायर्स को आपस में जोड़ा और आपस में टेपिंग की, और कुछ भी ज़्यादा खास बात इसके बारे में नहीं है। आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, आप इस प्लीज़ आज इस डायग्राम को ज़रूर फॉलो करना। देखो तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम बनाकर दिखाया और मैंने दिखाया रेफ्रिजरेटर में मैंने कैसे कैसे वायरिंग की, तो मैं वो जो वायरिंग मैंने की थी वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो तो मैंने अभी आपको एक डायग्राम शो किया था और मैंने आपको एक सर्किट आपको चलाकर दिखाया था कि किस तरह से सर्किट काम करेगा हमारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो मैंने डायग्राम जो था उसमें थोड़ा अपडेट कर दिया है कि थोड़ा बहुत चेंजेस उस डायग्राम में आ चुके हैं। तो हमने क्या किया था, जो दूसरा वाला सर्किट था उस दूसरे सर्किट को पहले वाले सर्किट के साथ दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया और एकदम नई वायरिंग और एकदम नया सर्किट हमारा तैयार हो जाता है, देखिए कुछ इस तरह का। सो गाइस यार अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो पूरी की पूरी जो डायग्राम है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि यहाँ पर टेबल पर आप जो तारें देख रहे हो, इतनी सारी यहाँ पर स्विच हैं, दो स्विचेस आपको यहाँ दिख रहे होंगे, एक हमारा पोर्ट है और यहाँ पर एक फ़ैन है, एक कुछ LED लाइट्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो मतलब इन सभी का जो वायरिंग है आपको यहाँ पर मुझे पता है कुछ भी समझ में नहीं आ पा रहा होगा, मुझे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा कि इतना मतलब जाल बना हुआ है वायर्स का। देखो कितनी सारी वायर्स है यहाँ पर, कहाँ कहाँ वायर्स के बीच में जॉइंट है देखो। तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए, यानी कि आप अगर समझना चाहते हो तो उसके लिए ही मैंने ये डायग्राम बनाया। तो प्लीज़ यार इस डायग्राम को अच्छे से देख लो, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ अभी भी थोड़ा सा, आप डायग्राम को प्लीज़ अच्छे से देख सकते हो। ऑलराइट तो चलो यार अब मैं जो सर्किट है चलो इसको एक बार इसको प्ले करके देखते हैं, यानी कि चला कर देखते हैं कि जैसा जैसा हमने सोचा था कि क्या सच में वैसा काम कर रहा है या फिर नहीं। तो चलो सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया था कि मैं कुछ इस तरह के 12 वोल्ट AC/DC अडैप्टर का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, एक मिनट पहले मैं इसको निकाल देता हूँ यहाँ से, देखिए कुछ इस तरह से ये हमारा इसका जैक है जहाँ पर हमारी अडैप्टर की वायर है, ये अडैप्टर की वायर है आप देख सकते हो। तो मैं क्या करूँगा इसको सिंपली ऑन कर दूंगा, तो हमारा अडैप्टर ऑन हो चुका है। अब इसमें अब मैं इसको क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर कनेक्ट करूँगा और फिर देखना कि क्या होता है, ये देखिए। तो दोस्तों आपने जैसा कि आपने देखा मैंने क्या किया, सिंपली इसके साथ में इसको कनेक्ट किया तो जो हमारा लाइट था वो ऑन हो चुका है, जो कि हमें इंडिकेट करेगा कि हमारे जो रेफ्रिजरेटर है उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आ रहा है। तो चलो अब मान लो हमें फ़ैन ऑन करना हो, यानी कि फ़ैन जिस जो कि हमारे मतलब रेफ्रिजरेटर को कूल करेगा उसका ये वाला स्विच है, देख दोस्तों देख सकते हो आप कुछ इस तरह का यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है। अब मैं देखना क्या होगा, अब जैसे मैं स्विच को ऑन करूँगा तो जो फ़ैन देख रहे हो आप ये फ़ैन ऑन हो जाएगा, फ़ैन तो ऑन होगा ही होगा, लेकिन साथ में आप एक यहाँ पर एक LED लाइट देख रहे होगे कुछ इस तरह की, देखो LED लाइट भी इसके साथ ही ऑन होगा, देखना। अब ये किया मैंने स्विच ऑन, ये देखो जैसा मैंने आपको कहा था कि स्विच ऑन करते ही ये दोनों चीज़ें एक साथ ऑन हो जाएगी, वैसे होते जो स्विच को ऑफ कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने इसकी वायरिंग इस तरीके से की है कि अगर एक ही स्विच दबाने से
दोनों चीज़ें एक साथ ऑन हो जाएगी। अब बात करते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर की लाइट, तो उसके लिए मतलब यहाँ पर एक और स्विच आप देख सकते हो, यहाँ पर दिया हुआ है मैंने और देख सकते हो, और इस स्विच का भी सेम वही सीन है जैसा कि इस वाले का था, मोटर और एक एलईडी लाइट साथ में ऑन होती है। वैसे यहाँ पर एक रेफ्रिजरेटर के अंदर वाली एलईडी लाइट और बाहर वाली एलईडी लाइट जो कि इंडिकेट करेगी कि ये वाली लाइट ऑन है, उसका भी सेम इसी तरह से वायरिंग किया। तो जैसे मैं स्विच को ऑन, देखो ये वाला स्विच देख लो ना, इस स्विच को मैं जैसे ही ऑन करूँगा ये दोनों लाइट्स एक साथ ऑन हो जाएगी। देखो कुछ इस तरह से, ये मैं स्विच को कर रहा हूँ ऑन और आप देख सकते हो दोनों लाइट्स ऑन हो चुकी है। एक ये लाइट ऑन हो चुकी है, देखो इसकी लाइट कितनी ज़्यादा तेज़ है, और ये वाली लाइट भी ऑन हो चुकी है। तो कुछ इस तरह से मैंने सर्किट बनाया, देखो ये देखो, और एक ये वाला स्विच, ये देखो सारा कुछ एक साथ भी रन कर रहा है। अब मैं जैसे इसको ऑफ करूँगा यहाँ से सारा कुछ ऑफ हो जाएगा, देखो। तो अब चलो इसकी जो ये इतनी सारी जो हमने वायरिंग तो यार कर दी, काफ़ी मेहनत लगी मुझे सर्किट को बनाने में, ये जो सर्किट है इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई, मुझे 2 दिन का टाइम लग गया सर्किट को अच्छी तरह से बनाने में। तो अब इसको चलो यार इसकी फिटिंग कर देते हैं, मतलब ये जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग है। अब चलो हमारा जो रेफ्रिजरेटर है, ये रहा हमारा रेफ्रिजरेटर, कैमरा में कैमरे के फ्रेम में पूरा नहीं आ रहा, जो मैं इसको अब इसके अंदर हम सारी इलेक्ट्रिकल फिटिंग करेंगे। लेकिन उससे पहले हम रेफ्रिजरेटर के ऊपर वाली जो छत होती है, यानी कि ऊपर वाला जो टॉप है, हम उसको बनाने वाले हैं, और साथ ही में हम रेफ्रिजरेटर का डोर भी बनाने वाले हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिकल फिटिंग का काम शुरू करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिकल फिटिंग का काम शुरू हो चुका है, मतलब रेफ्रिजरेटर की जो इलेक्ट्रिकल वायर थी वो मैंने कर दी। और यहाँ पर दोस्तों छोटा सा चेंज है, दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो खूब सारी वायरिंग, और यहाँ पर आप कुछ वाइट कलर की खूब सारी यहाँ पर वायर्स देख रहे होंगे। ये बेसिकली क्या है, जो हमने 2 स्विचेस और एक इनपुट पोर्ट लिया था, हमने सिंपली क्या किया, मैंने उन वायर्स को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया वाइट वाली वायर लगाकर, और यहाँ पर मैंने एक नया बोर्ड बना दिया कुछ इस तरह का, और इन दोनों ये तीनों चीज़ों के वायर थी मैंने सोल्डरिंग कर दी, और कुछ इस तरह का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हमारा बन चुका है, जैसा कि हमारे घरों में होता है बिल्कुल वैसा ही ये दिखने में लग रहा है। यहाँ पर मैंने एक होल कर दिया और उस होल में मैं वायर को वापस डाल दूंगा, और कुछ इस तरह से यहाँ पर हॉट ग्लू की मदद से इसको लगा दूंगा। यहाँ पर हमारा फ़ैन है, इस फ़ैन को मैं यहाँ पर माउंट करूंगा इस होल में, कुछ इसी तरीके से मैं इसको माउंट कर दूंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो 2 वायर्स आपको दिख रही होंगी, इन 2 वायर्स बेसिकली क्या है, जो हमारे रेफ्रिजरेटर की अंदर वाली लाइट थी हमने क्या करेंगे उसके मतलब वायर है जो हम मतलब पहले ऊपर वाली जो छत है, छत भी हम बनाने वाले हैं, तो वो बनाने के बाद हम मतलब इन दोनों वायर्स को कनेक्ट कर देंगे। मैं होल कर दूंगा थर्मोकॉल के बीच में, फिर हम इन वायर्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर एक और होल आप देख सकते हो, जो कि हमारी इंडिकेटर लाइट्स है रेफ्रिजरेटर की, 3 LED लाइट्स हैं यहाँ पर जो रेफ्रिजरेटर के डोर पर लगेगी, जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में देखा। तो यहाँ पर मैंने एक होल किया और इस होल में से मैंने इन वायर्स को निकाला हुआ, देख सकते हो दोस्तों कितनी मोटी वायर है ये, टोटल 6 वायर्स आई हैं, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब 3 LEDs की, तो ये 6 वायर है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस पूरी की पूरी वायर को इस होल में से निकाल दूंगा कुछ इस तरह से, देखिए, और फिर मैं इसे आगे की तरफ लगा दूंगा। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखते रहना, सच में कह रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आगे होने वाला है, तो प्लीज़ यार एंड तक ज़रूर देखना। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारी वायर जो है बाहर आ चुकी है इसमें से, और ये मैंने जो है हमारे जो फ़ैन था उसको माउंट करने के लिए कुछ इस तरह का, मैंने खाली बॉटल का कुछ इस तरह का जो बॉटम वाला पार्ट होता है उस कुछ इस तरह का ले लिया, और उसमें कुछ इस तरह से होल्स कर दिए इस तरह के डिज़ाइन में, जिससे कि हवा क्रॉस होती रहे। उसको मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से हॉट ग्लू या फिर टेप की मदद से फिक्स करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक मतलब एक कुछ प्रोटेक्शन के लिए लगाने वाले हैं, तो कुछ इस तरह का मैं एक शीट ले लेता हूँ। यहाँ पर क्या है ना, मतलब कहीं जब हमारा फ़ैन जो है वो फ़ैन चल रहा होगा तो कोई चीज़ उसके अंदर ना फंस जाए, फिर कोई चीज़ उसके अंदर ना चली जाए, इसलिए हमें कुछ इस तरह का एक प्रोटेक्शन के लिए लगाना होगा। उसके लिए मैं कुछ इस तरह के लिए एक पेपर की शीट का यूज़ कर रहा हूँ, और वहाँ पर कुछ इस तरह से होल्स कर रहा हूँ, देखिए कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर खूब सारे होल्स कर दूँगा, और फिर इसको मैं मतलब एक तरह का हम कह सकते हैं कुछ एक ग्रिल टाइप बन जाएगा, और उसको पीछे की तरफ लगा देंगे इसके,
जैसे कि हवा भी जो है, जो ठंडी हवा है वो भी आ सके और हमारा जो मोटर है, हमारी जो फैन है वो प्रोटेक्टिव रहे। तो मैं इसको कुछ इस तरह से इसके पीछे लगा दूंगा, देखिए कुछ इस तरह से मैं लगा दूंगा इसको पीछे की तरफ, ये देखिए, तो कुछ इस तरह से पीछे की तरफ लग जाएगा। तो मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ किस तरह से लगेगा ये पीछे की तरफ इस टेप की मदद से। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से इसको लगा रहा हूँ, ये देखिए, तो बिल्कुल अच्छे से टाइटली हमें इसे फिक्स करना होगा, गलती से भी ज़्यादा हिल ना जाए ये। तो देखिए कुछ इस तरह से खूब सारी यहाँ पर टेपिंग लगा रहा हूँ मैं। और दोस्तों वीडियो को प्लीज़ अभी भी कह रहा हूँ बिल्कुल एंड तक प्लीज़ यार देख लेना, अगर आपको कुछ कमी लग रही हो, मुझे लग रहा है, आप मुझे भी, मेरा पता है मुझे, मैं इतना अच्छा मतलब इतना परफेक्टली नहीं हूँ काम करता ये सब चीज़ें, मतलब इतना परफेक्ट नहीं है मेरा ये सब कामों में, मैं इतना अच्छा भी नहीं हूँ। तो प्लीज़ यार अगर मुझसे थोड़ी सी भी कोई गलती होती है प्लीज़ यार मुझे माफ़ कर देना, या फिर मुझे कमेंट में बता देना कि भाई तूने ये गलती कर दी, भाई आपने ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसे कर देते, तो प्लीज़ यार कमेंट में मुझे ज़रूर करके बता देना। तो कुछ इस तरह से लग जाता है हमारा, सामने की तरफ दिखता है ये देखो। अब यहाँ पर हम इसको लगाने वाले हैं जो हमारा फ़ैन का जो पाउंड था, वो यहाँ पर दोस्तों मैंने जो हमारी छत में, आपको इतनी देर से कह रहा हूँ, छत भी बनाएंगे, इनकी टॉप जो है रेफ्रिजरेटर का वो बनाएंगे, वो भी बन चुका है। यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड की शीट ली, उसके ऊपर एक थर्मोकॉल की शीट लगा दी, होल कर दी, बीच में दो LEDs लगा दी, उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स यहाँ पर निकाल ली। इसको मैं ऊपर की तरफ कुछ देखिए कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर लगा दूंगा कुछ इस तरह से, और हमारी दोनों वायर्स देख सकते हो आप निकल चुकी है। हमारा जो फ़ैन का जो मैंने आपको बताया था माउंट है वो भी मैंने टेप की मदद से लगा दिया, ग्लू गन की मदद से मैं चिपकाने की कोशिश कर रहा था लेकिन ग्लू गन से तो उल्टा प्लास्टिक ही मेल्ट होने लग गया तो नहीं हो पाया। यहाँ पर जगह पूरी खाली छोड़ रखा है, यहाँ जहाँ पर हम अपनी ठंडा पानी या फिर बर्फ़ रख सकेंगे कूलिंग के लिए। और यहाँ पर एक बॉक्स बन चुका है वायरिंग का, इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों कुछ इस तरह का मैंने बॉक्स बनाया है, यहाँ पर मैं पहले सबसे पहले इसकी सारी वायर जो है, जो मैं इसकी जो जो LED वाली वायर है उसको पहले मैं डाल दूँगा। कुछ इस तरह का मैंने बॉक्स बनाया है, इससे क्या है जो हम यहाँ पर कूलिंग करने के लिए बर्फ़ यहाँ पर कुछ भी रखेंगे उससे क्या है अंदर की तरफ जो वायरिंग है, वायरिंग पर उसका असर ना पड़े, यानी कि कहीं गीली ना हो कोई वायर या फिर कहीं पर भी कोई मतलब पानी से कोई ख़राब ना हो, इसलिए मैंने इस तरह का बॉक्स बनाया। चलो तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह की एक शेल्फ़ बना दी हुई है रेफ्रिजरेटर के अंदर वाली, देख सकते हो। मैंने दो कार्डबोर्ड की शीट्स ली, उनको आपस में ग्लू किया, इसके जो एजेस थे मैंने उनको फोल्ड कर दिया और फिक्स कर दिया यहाँ पर कुछ इस तरह से। यहाँ पर ब्लैक टेप मैंने थोड़ी इसलिए लगा दी ताकि देखने में कुछ अच्छा लगे। यहाँ पर हमारा टॉप का वो जो लिड है जहाँ पर हम अपनी आइस रख सकते हैं, यानी बर्फ़ हम रख सकते हैं कूलिंग के लिए, सिर्फ इस तरह का बस छोटा सा कार्डबोर्ड का पीस लिया और वो इस तरह से फोल्ड करते में ओपन हो जाता है, ये कुछ इस तरह से ये दिखता है, देखिए कुछ इस तरह से आसानी से बंद भी हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके दरवाजे की, यानी कि जो डोर है हमारे रेफ्रिजरेटर का उसकी अब हम बना रहे हैं। यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड की शीट ले ली, वहाँ पर मैंने तीन होल्स कर दिए, हम इन तीनों LED लाइट्स को लगा देंगे। जैसा आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा, मतलब जो हमारे इंडिकेटर्स हैं तीनों LED इंडिकेटर्स, हम उनको लगा देंगे। तो ये मैं पहला इंडिकेटर लगा रहा हूँ जो कि हमें ये इंडिकेट करेगा कि हमारे रेफ्रिजरेटर को पावर सप्लाई आ रही है, और ये है हमारा दूसरा इंडिकेटर जो कि हमें ये इंडिकेट करेगा कि हमारी जो फ़ैन है वो ऑन है। अब ये तीसरा इंडिकेटर जो कि हमारे फ्रिज के अंदर वाली लाइट का इंडिकेशन देगा। तो ये तीनों लाइट्स हमारी लग चुकी हैं, ये देखो इतना अच्छे तरीके से ये काम कर रही हैं। तो ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो काफ़ी सारी यहाँ पर वायर्स हैं लूज, तो उनको मैं टेप की मदद से सिक्योर कर देता हूँ जिससे कि जो हमारी LED लाइट्स हैं वो ज़्यादा ना हिले, वरना हमारी लाइट्स जो हैं वो हिलती रहेंगी बार बार, और वो बार बार मतलब अंदर चली जाएंगी तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हम जो टेप की मदद से जो वायर्स हैं इनको फिक्स कर देते हैं, सिक्योर कर देते हैं, तो हमारी LED लाइट्स बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है। अब दोस्तों बात करते हैं रेफ्रिजरेटर के डोर पर लगने वाले हैंडल की। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर मैंने लगा दी हुई हैं LED लाइट्स, तो अब दोस्तों हैंडल लगा देते हैं। तो अब ये जो आप हैंडल देख रहे हो दोस्तों, ये मुझे पता है असली हैंडल है, मतलब कोई मैंने पहले सोचा था कार्डबोर्ड का हैंडल बनाया, तो मैंने सोचा कार्डबोर्ड का हैंडल इतना अच्छा नहीं लगेगा और इतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा ही हैंडल का यूज़ कर लिया जाए। तो मैं इसको लगाने की कोशिश करता हूँ, शायद ये ना लग पाए मुझसे, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर मार्किंग से ले लेता हूँ और इनके बीच में मैं होल्स कर देता हूँ जिससे कि हम स्क्रू लगा सकें और हम इस जो हैंडल है इसको हम लगा सकें। तो ये रहे मेरे पास में स्क्रूज़, इसको मैं इस तरह से लगा देता हूँ। ये हैंडल मुझे पता है जो स्क्रूज़ वगैरह ये सब का मतलब कारपेंटर या फिर जो
वुडन फर्नीचर में यूज़ किया जाता है, कार्डबोर्ड में इसको यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आई होप ये अच्छे से काम कर जाए। तो ये वाला स्क्रू थोड़ा लूज़ है, और दोस्तों हमारा हैंडल होपफुली अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और यानी कि हैंडल जो है हमारा अच्छे से लग चुका है, लेकिन यहाँ पर हल्का सा क्रैक हो चुका है कार्डबोर्ड के बीच में, बल्कि जो नीचे वाला स्क्रू है वो बिल्कुल परफेक्टली लगा है, लेकिन कोई बात नहीं। तो जिस तरह से दोस्तों मैंने क्या किया, जो हमारी पहली कार्डबोर्ड की शीट थी उसके पीछे का था हैंडल के जो स्क्रूज़ थे, वायरिंग थी, तो उसके पीछे मैंने एक और शीट लगा दी कार्डबोर्ड की, जो कि हमारी अंदर की तरफ रहेगी। देखिए दोस्तों कुछ इस तरह की मैंने लगा दी, देख सकते हो आप, और जो थिकनेस है हमारे डोर की वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। ये देखो किस तरह से ये ईज़िली हम इसको खोल पा रहे हैं। यहाँ पर मैंने खूब सारी टेपिंग लगा दी, जिससे कि जो रेफ्रिजरेटर का डोर है इस इन टेपिंग की ही मदद से हमारा रेफ्रिजरेटर का डोर इतना ईजीली ओपन हो पा रहा है। तो यहाँ पर मैंने वायर के लिए हल्का सा कट दे रखा है, आप देख सकते हो, जो हमारी अंदर वाली वायर थी, जो इंडिकेटर्स की वायर थी, आपको पता है सब कुछ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो देखो यहाँ पर कट दिया हुआ है, जहाँ से हमारी वायर जाती है मतलब जो हमारा डोर है उसमें। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से जो दो हमारी कार्डबोर्ड की शीट्स थी, एक बाहर वाली और एक अंदर वाली, उनको मैंने ग्लू गन की मदद से आपस में जोड़ दिया। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो बीच में, इन दोनों के बीच में कितना ज़्यादा गैप है, तो मतलब यार इतना ज़्यादा गैप है तो ये दिखने में कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा गैप है। तो मैं क्या करूँगा इस गैप को कवर करने के लिए, इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड की एक स्ट्रिप लगा दूँगा, मतलब कार्डबोर्ड की एक पतली सी शीट कुछ इस तरह की मैं इसके ऊपर लगा दूँगा। देखिए कुछ इस तरह से मैं हॉट ग्लू की मदद से लगा दूँगा, तो इस तरह से मतलब कवर हो जाएगा, एक तरह का कह सकते हैं कि बॉक्स टाइप जो है हमारा रेफ्रिजरेटर का डोर, वो बॉक्स टाइप बन जाएगा। जैसा आप देख सकते हो साइड पे मैंने ऑलरेडी एक लगाया है, तो चलो मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ किस तरह से मैं कह रहा हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर मैंने दोस्तों टेपिंग का भी लगाया है, टेपिंग से क्या है जो ये शीट है मतलब कार्डबोर्ड की वो अच्छे से मतलब लगी रहे, तो मतलब जिससे कि हमें जो शीट हमारी स्ट्रिप है कार्डबोर्ड की जिसको हमें साइड पर लगाना है तो उसको लगाने में ईजी होगा। तो इसको मैं यहाँ पर हॉट ग्लू की मदद से लगा रहा हूँ, तो ये देखिए चलिए अब जो हमारी ये कार्डबोर्ड की स्ट्रिप है इसको लगा देते हैं कुछ इस तरह से, और ये लग रही है। और दोस्तों मैंने ऊपर की तरफ भी लगा दी, साइड पर भी लग गई, नीचे भी लग गई, मतलब चारों तरफ क्या है ना हमारा जो ओपन था देखा था, जैसा कि ओपन था मतलब जो डोर था हमारे रेफ्रिजरेटर का चारों तरफ से ओपन था, हमने उसको कवर कर दिया बेसिकली कुछ इस तरह से, मतलब एक बॉक्स टाइप हमारा बन चुका है जिसको, जो कि हमारा रेफ्रिजरेटर का डोर है, और उसको हमने हमारे रेफ्रिजरेटर की मेन बॉडी के साथ में अटैच किया कुछ इस तरह से, हमारा जो है ये डोर ओपन हो रहा है। देखो कितनी अच्छे से यहाँ पर मैंने कट भी दे रखा है हमारी वायर के लिए, मैंने आपको पहले बता दिया यहाँ पर, मतलब इस तरह से मैंने जो है लगा दी थी स्ट्रिप, ये देखो यहाँ पर कट भी दिया हुआ है कुछ इस तरह का दिख रहा है। आप देख रहे होगे यहाँ पर सामने की तरफ देख रहे होगे खूब सारी यहाँ पर टेप लगी हुई है, देख सकते हो। मैंने आपको बताया ना कि मतलब इनको आपस में रखने के लिए कि हमें जो स्ट्रिप लगाने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैंने ये जो है टेपिंग लगाई है इस तरह की। यहाँ पर थोड़ा सा क्रैक हो गया कार्डबोर्ड में, लेकिन चलो कोई बात नहीं। चलो मैं ये जो टेप लगाई है मैं इनको कुछ इस तरह से उतार देता हूँ, देखिए कुछ इस तरह से इजीली ये उतर जाती हैं कुछ इस तरह से। मैं सारी उतार देता हूँ, अंदर की तरफ से भी मैं उतार देता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह से बस उतर जाती है। मतलब टेपिंग की जो लगाई है इसका मतलब यही था कि मतलब हमारी जो मतलब काफ़ी दूर दूर मतलब आपस में बहुत दूर दूर थी, तो उनको पास में लाने के लिए, जिससे कि हमें स्ट्रिप लगाने में आसानी हो। यहाँ पर आप एक बार फाइनल देख लो कैसा दिख रहा है हमारा रेफ्रिजरेटर, कुछ इस तरह का दिख रहा है हमारा डोर बन चुका है, हैंडल देखो लग चुका है यहाँ पर, देख सकते हो किस तरह की इसकी लुक मैं आपको दिखा रहा हूँ बेसिकली, कि दिख कैसा रहा हमारा रेफ्रिजरेटर मतलब जो फाइनल बन चुका है। बस थोड़ा बहुत फिनिशिंग रह गया, बस वो भी हो जाएगा, देख सकते हो हमारा डोर बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यार ये डोर देखकर, मतलब काफ़ी मतलब मुझे अच्छा फील हो रहा है कि फाइनली मतलब ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है जैसा कि मैंने सोचा था। वो भी ये जो इंडिकेटर्स वगैरह हमने जो लगाए हैं, ये हैंडल लगाया, वो सब चीज़ें मतलब मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा प्रोजेक्ट जो है हमारा फाइनली बस ख़त्म ही होने वाला है, बस थोड़ी सी फिनिशिंग रह गई, मतलब थोड़ा सा बहुत थोड़ा कुछ ही रह गया, मतलब ज़्यादा अब टाइम नहीं लगेगा। तो मैं कुछ इस तरह से दोस्तों यहाँ पर मैं जो है कुछ हम कह सकते हैं कुछ एक होल्डर टाइप में एक चीज़ बना रहा हूँ, जो कि जिसे हम रेफ्रिजरेटर जो हमारा डोर है जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका जो ये डोर है उसके अंदर की साइड हम इसे लगाने वाले हैं। तो कुछ इस तरह से आप देखते रहिए वीडियो में, मैं हॉट ग्लू का यूज़ कर रहा हूँ इसको जोड़ने में, आप फेविकॉल का यूज़ भी कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से मैं जोड़ रहा हूँ इन पीसीज को जो हम बनाने वाले हैं, इसको हम रेफ्रिजरेटर के डोर के अंदर की साइड लगाने वाले हैं। तो आप देखिए किस तरह से ये बन रहा है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर हॉट ग्लू का यूज़ कर रहा हूँ, तो ये दोस्तों एक हमारा बन चुका है, मैं आपको दिखा रहा हूँ बनाकर, ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा बन जाएगा। और दोस्तों इसके साथ के जो है हम दो बनाने वाले हैं, तो आपको देखते रहिए वीडियो में, आपको आगे पता लग जाएगा।
जिस तरह से मैंने दो बना लिए हुए हैं, आप देख सकते हो दो आपको दिख रहे होंगे, और इनकी थोड़ी सी बस फिनिशिंग कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा दिखने में जो है कुछ अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैं ब्लैक टेप का यूज़ कर रहा हूँ जिससे कि बस थोड़ा सा मतलब लुक अच्छी आए, और कुछ भी नहीं, मतलब यार बस थोड़ा सा क्या है ना लुक अच्छी सी आ जाए, तो बस और कुछ भी नहीं है। तो कुछ इस तरह से हम इसके एजेस को कवर कर देंगे ब्लैक टेप की मदद से, देखिए कुछ इस तरह से दोनों में कर देते हैं ऐसे ही, जो हमारे जो हमने दोनों बनाए हैं पीसीज इनको कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा टेप है मैं उसको कट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। ये देखिए, देखो आप किस तरह से मैं कर रहा हूँ दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखना, मैंने वीडियो बहुत जो है फास्ट बनाई है, तो प्लीज़ एंड तक देखते रहिए क्या क्या आगे होता है। तो इसको हम यहाँ पर फिक्स करने वाले हैं हॉट ग्लू की मदद से। तो ये देखिए यहाँ पर मैं इसको फिक्स कर रहा हूँ, ये देखो किस तरह से मैं इसको लगा रहा हूँ, तो ये यहाँ पर लग जाएंगे। देखो किस तरह से मैं लगा कर दिखाऊंगा आपको, ये देखो हॉट ग्लू की मदद से लगा रहा हूँ, ये देखिए इस तरह से एक लग जाएगा। मैं यहाँ पर हॉट ग्लू से इसको और अच्छे से जो है फिक्स कर देता हूँ जिससे कि ये निकले ना बार बार, तो कुछ इस तरह से मैं लगा रहा हूँ, लगा देता हूँ। तो ये देखिए एक और हम लगाएंगे इसके ऊपर, और दोस्तों फाइनली जो है हमारा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो चुका है, बनकर तैयार है। तो आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पर लुक आ रही है। मैंने इसका जो एजेस है ना उस दोस्तों, इसके एजेस के ऊपर मैंने ब्लैक टेपिंग कर दी, जो आप डोर देख सकते हो रेफ्रिजरेटर का कितनी अच्छी लुक आ रही है। इस पर मैंने एजेस जितने भी एजेस थे इसको कवर कर दिए, तो आप देख सकते हो दोस्तों फाइनल लुक अब मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह की आ रही है। तो प्लीज़ अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना। आप देखो मैंने सप्लाई दे दी इसको, तो मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ इसको, तो जो हमारी सप्लाई वाली इंडिकेशन लाइट है वो ऑन हो जाएगी। अब मैं दोस्तों लाइट ऑन करता हूँ तो लाइट ऑन हो जाती है, और इंडिकेशन लाइट जो लाइट के लिए वो भी ऑन हो जाता है। अब मैं फ़ैन ऑन कर रहा हूँ, देखना फ़ैन ऑन करूँगा। अब मैं फ़ैन वाला स्विच किया ऑन, और फ़ैन की लाइट भी ऑन हो चुकी है, और फ़ैन भी ऑन हो चुका है। अब आवाज़ क्लियरली सुन सकते हैं फ़ैन की। तो मैंने दोनों चीज़ें ऑफ कर दी, अब दोनों चीज़ें एक साथ ऑन करता हूँ, तो देखिए किस तरह से जो हमारा प्रोजेक्ट जो है काम करता है। अब मैं इसको डिसकनेक्ट कर देता हूँ सप्लाई से, तो कुछ इस तरह से हमारा ऑफ हो जाता है, ये देखिए। तो कुछ इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट दोस्तों, अगर आपको ये प्रोजेक्ट जो मैंने आपको बनाकर दिखाया है, कुछ भी कहो यार, जैसे रेफ्रिजरेटर का हो, मतलब यार एक एज अ मतलब इसको साइंस प्रोजेक्ट आप इसे कह सकते हो, मतलब आपको ज़रा सा भी पसंद आया होगा और ये प्रोजेक्ट जो है आपको, जो भी मैंने आपको बनाकर दिखाया, जैसे जैसे ये सब चीज़ें हैं, मतलब इंडिकेशन लाइट आपको दिखाकर दिखाई, हैंडल लगाकर दिखाया, फिनिशिंग की, वो डोर बनाया, मतलब जो भी कुछ मैंने आपको दिखाया ना, उसमें आपको कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो कि हाँ यार ये वाली चीज़ अच्छी थी, वो पार्ट अच्छा था, मतलब अच्छी सी मतलब अच्छा लगा दिखने में, जो भी मैंने आपको बनाकर जो भी बनाकर दिखाया अच्छा लगा, तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर देना, और कुछ भी नहीं चाहिए, ताकि मैं को और मोटिवेशन मिले जिससे कि मैं आप लोगों के लिए और ऐसी ही चीज़ें आपको बनाकर दिखाता रहूं। तो प्लीज़ यार लाइक कर दो वीडियो को अभी के अभी। चैनल पर नए हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो आगे भी ऐसी आपको वीडियोस देखने को मिलने वाली हैं, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट बनकर तैयार है, तो वीडियो को लाइक कर दो। अब मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रोजेक्ट के साथ, ऐसी इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ में।